आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं नीरज सूद अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा आगे अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए देखते रहें। आज मैं आप सबके सामने मकान तथा वाहन सुख के बारे में समग्र विवेचन करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कृष्णमूर्ति पत्ति ज्योतिष में हम इनको देखते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है या मैं बताना चाहता हूँ जो नए अभ्यासक हैं कि चौथा भाव जो होता है ये मकान, भूमि तथा वाहन के लिए देखा जाता है। मकान तथा वाहन का जो मुख्य भाव है ये चौथा भाव होता है। चौथे भाव से मकान के सुख, वाहन के सुख के बारे में पता लगता है। अब जो चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी है, यदि वो मकान, भूमि कारक मंगल हो या मंगल के साथ संबंध बनाए तथा साथ में चौथे भाव का कार्येश हो, यानी कि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी कोई भी ग्रह हो, वो चौथे भाव का कार्येश है अपने नक्षत्र के द्वारा, उप नक्षत्र के द्वारा, ग्यारहवें भाव का कार्येश है साथ में जो कि इच्छा पूर्ति, ग्यारहवां भाव होता है इच्छा पूर्ति का, और साथ में बारहवें भाव का भी कार्येश है। बारहवां भाव होता है व्यय का, खर्च का, यानी कि हम पैसा खर्चते हैं तो मकान लेते हैं, पैसा खर्चते हैं तो वाहन लेते हैं। तो यदि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, यदि चौथे भाव, ग्यारहवें भाव, बारहवें भाव में से किसी भाव का कार्येश हो, साथ में मंगल से जुड़ जाए या कारक सीमेंट जो है जिससे मकान बनता है शनि से जुड़ जाए तो अपना मकान होता है। अब ये मकान जो है किन दशाओं में होगा, जातक के जीवन में जो दशाएं चलती हैं वो यदि चौथे भाव, ग्यारहवें भाव, बारहवें भाव की कार्येश हों, यानी कि चौथे भाव, ग्यारहवें भाव और बारहवें भाव के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक मकान लेता है। इसी प्रकार से वाहन का कारक है शुक्र। चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि शुक्र हो या शुक्र से संबंध बनाए या शुक्र के साथ जुड़ जाए, साथ में चौथे भाव, ग्यारहवें भाव या बारहवें भाव का कार्येश हो तो वाहन का सुख मिलता है, क्योंकि चौथा वाहन वाहन का है। चौथा भाव वाहन का, ग्यारहवां भाव इच्छा पूर्ति का, बारहवां भाव जो है खर्च का है। इस प्रकार से इसको आप समझें। इसी प्रकार से कुंडली में जो छठा भाव होता है ये होता है कर्ज का, लोन का। तो यदि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी 4, 11, 12 भाव के साथ छठे भाव से भी जुड़ता है तो फिर लोन लेकर मकान लिया जाता है या लोन लेकर वाहन लिया जाता है। यदि छठा भाव साथ में आठवां भाव रुकावट का जुड़ जाए तो लोन लेने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, चाहे मकान खरीदने के लिए हो चाहे वाहन खरीदने के लिए हो। इस प्रकार यदि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी वाहन खरीदते समय, चौथे वाहन का उप नक्षत्र स्वामी कोई भी ग्रह हो तो उसकी यदि शनि से दृष्टि पड़ जाए या शनि के साथ युति हो जाए तो पुराना वाहन यानी कि सेकंड हैंड वाहन खरीदा जाता है।
और यदि शुक्र के साथ जुड़े तो नया वाहन और मन मुताबिक वाहन मिलता है, यदि साथ में ग्यारहवां भाव इच्छा पूर्ति का जुड़ता है। परंतु यदि आठवां भाव जुड़े तो उसमें खरीदने में रुकावट या परेशानियां आती हैं। वाहन खरीदने के समय यदि चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि द्विस भाव राशि जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु के पहले 15 अंश अथवा कुंभ के पहले 15 अंश हो तो दो पहियों वाली गाड़ी जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि इस प्रकार के वाहन की प्राप्ति होती है। परंतु यदि यही चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4 पैरों वाली राशि यानी कि मेष राशि, मेष से हम बकरी को जिसके 4 पैर होते हैं, उसके बाद वृषभ राशि, वृषभ राशि से बैल जिसके 4 पैर होते हैं, सिंह राशि, सिंह राशि से शेर जिसके 4 पैर होते हैं, तथा धनु के अंतिम जो 15 अंश होते हैं, अंतिम 15 अंश क्योंकि धनु राशि जो है घोड़े या अश्व के साथ जुड़ती है जिसके 4 पैर होते हैं, तो धनु के अंतिम 15 अंशों या मकर के यदि 15 अंशों तब 4 पहियों वाली गाड़ी जैसे कि कार, कार हो गई, बस हो गई, या 4 फोर व्हीकल जिसको हम बोलते हैं इसमें आ जाए, तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। और ये दोनों इच्छाएं जो हैं 4, 11, 12 भाव यानी कि चौथे भाव, 11वें भाव, 12वें भाव के कारेश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा पर ही पूर्ण होती है। यदि लगन का लगन से जातक स्वयं होता है तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी यदि 8वें भाव रुकावट का, 8वां भाव ही है जो दुर्घटना का होता है, यदि लगन का उपनक्षत्र स्वामी 8 और 12 भाव के साथ जुड़े तो वाहन चलाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, लगन के उपनक्षत्र की बात की, इसी प्रकार 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 1, 8, 12 का कारेश हो तो भी दुर्घटना होने का डर रहता है। तो जिन जातकों के इस प्रकार के योग बने उनको हमेशा वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। इस प्रकार मकान तथा वाहन सुख के बारे में आपको जो जानकारी दी है इस प्रकार से देखी जाती है, चाहे जन्म कुंडली हो चाहे प्रश्न कुंडली हो, दोनों में नियम इसी प्रकार लगते हैं।